यहाँ तो पार्टी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो पार्टी के आधार पर उनको वोट मिलेगा। माहौल पॉजिटिव तो होगा ही, कारण कि परिवर्तन बिहार खोज रहा है मैडम जी। यहाँ पे बीजेपी का ही है, बीजेपी ही जीतेगा। अभी तो नहीं होगी, अभी उनको अभी और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नए नए खड़े हो रहे हैं। वो पहली बार खड़े हो गए हैं, उनको कोई तो जानता नहीं है, उनको पिताजी को सब जानता है। अच्छा, न्यू कमर आना चाहिए फॉर द चेंज। यंग है, जेनेटिक है, अगर ठीक ठाक काम करेंगे, आउटस्टैंडिंग सही आएगा तो उनको टाइम मौका मिलेगा जरूर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। इस वक्त मैं लव कुश टावर के ठीक नीचे खड़ी हूँ। हाँ, वही लव कुश टावर जिसे लोग शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने इस लव कुश टावर का नाम अपने दो जुड़वा बेटे लव और कुश के नाम पर रखा था। इसकी बात इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आपको पता है कि इस बार का जो चुनाव है वो नेक्स्ट जनरेशन इलेक्शन हो रहा है, यानी कि इस बार के चुनाव में डेब्यू करने वाले लोग बहुत हैं। इनमें से एक शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी हैं, जो कांग्रेस की टिकट पर महागठबंधन की तरफ से बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इत्तेफाकन ये जगह बांकीपुर विधानसभा के अंदर ही आती है। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, यानी कि लव कुश टावर के नीचे, आपको बता दें कि लव सिन्हा फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार आए हुए हैं, पटना में हैं और इस वक्त इसी टावर में उनका आवास है, रहने का जो उनका ठिकाना है वो लव कुश टावर ही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे का बिहार में जो पॉलिटिकल डेब्यू होने जा रहा है वो लव सिन्हा को कितना सपोर्ट करने वाले हैं, कितनी कामयाबी लव सिन्हा को मिलने वाली है या फिर लोग इन्हें नापसंद करते हैं। आइए हमारे साथ, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। अच्छा, आप पटना के रहने? हाँ, पटना के रहने वाले हैं। कंकरबाग हो रहा है, आपको पता है, अभी आप लव कुश टावर के नीचे खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। लव सिन्हा का नाम सुने हैं? हाँ जी। शत्रुघ्न सिन्हा? हाँ जी, हाँ जी, उनके लड़के हैं। लड़ रहे हैं बांकीपुर से, क्या लगता है कैसा माहौल है उनको लेकर? माहौल तो अच्छा ही है, क्योंकि उनके उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और उस परिवेश में काफ़ी दिनों तक उन्होंने रहा है, तो चीज़ों को समझा है और इस समय बदलाव की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये कदम उठाया तो अच्छा ही है कि इस परिप्रेक्ष्य में अपना जो भी बेहतर कर सके वो कर रहे हैं। बात यहाँ पे लोकल की भी हो रही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग बाहर से आकर अचानक चुनाव लड़ने लगते हैं तो हर कोई अपने एजुकेशन के लिए या फिर कुछ और नॉलेज के लिए बाहर जाता है, फिर वापस घर आता है, उनका यहाँ पे घर है यहाँ पे। मतलब क्या उनका जो पॉलिटिकल डेब्यू है आपको लगता है कामयाब होगा बिहार में? अभी तो जस्ट शुरुआत है, जब तक कोई सत्ता में नहीं आता है, जब मतलब तक कुछ नहीं कर पाता है, बट एक ओवर एक जो ओवरव्यू है कि हम इनका बैकग्राउंड अच्छा रहा है, इस नाते एक होप है कि अच्छा करेंगे। चलिए, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं तो अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। जानता हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा के बड़े लड़के हूँ। चुनाव लड़ रहे हैं जी बांकीपुर से। क्या लगता है, हवा कैसी है लव सिन्हा को लेकर? यहाँ हवा का बात नहीं है, यहाँ तो पार्टी पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो पार्टी के आधार पर उनको वोट मिलेगा, कांग्रेस के आधार पर वोट मिलेगा। आपका क्या है, आप उनको पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। अच्छा, ऐसा होना चाहिए, बदलाव बदलाव आना चाहिए, आना चाहिए। पूर्व में भी यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं नितिन नवीन, अच्छा, उनके पिताजी भी रहे हैं, शायद दो बार वो जीते हैं। एक बार सबसे शुरू में वो खड़े हुए थे जोड़ा कबूतर छाप पर, उस बार तीसरे नंबर वो चले गए थे, उनका बदलाव हुआ, उनके लड़के आए। हाँ, इनका भी बदलाव होना चाहिए, लव सिन्हा आ जाए। अच्छा, लव सिन्हा को आप चाहते हैं? चाहते हैं। माहौल पॉजिटिव तो होगा ही, कारण कि परिवर्तन बिहार खोज रहा है मैडम, इसको बहुत ज़रूरी है। लव सिन्हा आमे अच्छा से अपना, कारण कि नया खून है, नई जनरेशन है। शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी रह चुके हैं, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यहाँ तक कि भाजपा से सांसद भी बाद में। हाँ, नई जनरेशन आनी चाहिए, इसलिए कि ये लोग जो कर रहे हैं वो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप सारी स्थिति को देख रही हैं। तो उस स्थिति में मेरा यही कहना है कि नई जनरेशन को आना चाहिए, नया जनरेशन आए संभाले राजपाट, देखे कैसा चल रहा है क्या चल रहा है जी। यहाँ पे बीजेपी का ही है, बीजेपी ही जीतेगा, ठीक है। लव सिन्हा नया चेहरा है, सब कुछ है, लेकिन आप समाज में जैसे क्या है कि जो आदमी पहले से काम कर रहा है, एग्जिस्टिंग है,
अब नए को आजमाना है, ठीक है, आजमाने का हर कोई ट्रेंड आता है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का कुछ अस्तित्व नहीं है। और बांकीपुर से जो है नवीन सिन्हा वही जीतेंगे, नितिन नहीं, कांग्रेस के अस्तित्व नहीं है, लव सिन्हा का तो ऐसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। हम लव कुछ वो सब नाम का है, नाम का नहीं बिकता है, काम बिकता है मैम। ठीक है, अभी तो नहीं होगी, अभी उनको अभी और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नए नए खड़े हो रहे हैं, अभी वो नए चेहरे हैं, लोगों को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा उनके बारे में, बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं होगा फिलहाल तो। और जिनके सामने वो खड़े हो रहे हैं नितिन जो नवीन है, वो बहुत पहले से है राजनीति में, तो उनको अभी थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं, उनके पक्ष में हवा नहीं है। किसके पक्ष में? अभी तो ये हमको, हाँ, नितिन गडकरी है, नितिन नवीन ना है, वो उसका अभी इसका हवा है, मतलब से ना, अगर वो तो नहीं देंगे, देखने के बाद लेने के बाद नहीं है, वो पहली बार खड़े हो गए हैं, उनको कोई तो जानता नहीं है, उनको पिताजी को सब जानता है, पिताजी खड़ा रहता था, पिताजी को देता है, मतलब बेटे को अभी कोई जानता, कोई जानता नहीं है, समय लगेगा, टाइम लगेगा, जानते हैं, आते हैं तो देखबे करते हैं। सर उधर से ना बड़का लड़का हुए हैं, मालूम तो है, वोट पड़वे करेगा, जब खड़ा है तो वोट पर नहीं है, ठीक है, जनता तो सब कहिए राय देने के लिए। एक्चुअली मैम देखिए, ये पटना है मैम, पटना में क्या होगा, क्या यहाँ के लोग सब का मेंटेलिटी पहले से सेट है कि भाई जो नेता पहले से चल रहे हैं उन्हीं को देना, वही लोग विकास, कोई नया को कोई चाहते नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली नया को वी शुड गिव द अपॉर्चुनिटी टू न्यू पर्सन डैट वो लोग कुछ एक्स्ट्रा करे, कुछ अलग करे हमारे लिए यहाँ पे आके, या एज अ यूथ चाहता हूँ कोई न्यू कमर आए हमारे पास, एज अ न्यू कमर आना चाहिए फॉर द चेंज। या चिराग तेजस्वी ऑप्शन है, बट आई थिंक सो ये लोग में, ये सारे में चिराग इज़ द बेस्ट, आई थिंक सो चिराग इज अच्छे लगते हैं मेरे को। हवा तो मैम बस यहाँ पे क्या होता है, जातिवाद है यहाँ, बस जाति पे वोट जाता है मैम, और कुछ होता नहीं, बस हम लोग जो हैं पिछले साल बीटेक करके अनएम्प्लॉय हैं, हम लोग को कहीं भी जॉब खोज रहे हैं, यहाँ से दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कुछ है मिल नहीं रहा है हम लोग को। और ये लोग तो चाह रहे हैं कि नया जनरेशन का ये नेता आए, बेरोजगारी को दूर करें, आपको लव सिन्हा को लेकर लव सिन्हा, इसके पहले तो उनके पिताजी सांसद भी यहाँ से रह चुके हैं, वो ऐसा तो कुछ नहीं किए, हमको नहीं दिख रहा है कि कुछ किए हैं। अब आप आपके नज़रिए में क्या है? जैसे कि जो एक बार वो सांसद बन जाते थे तो जब इलेक्शन का टाइम वो लोग आते थे यहाँ पे, दोबारा फिर वो नहीं आते थे यहाँ पे, आफ्टर इलेक्शन वो यहाँ विजिट नहीं करते थे, उसके पहले हमेशा आते थे। बिल्कुल सुने हैं, हमारे इससे पहले पार्षद थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, उन्हीं के बेटे हैं लव सिन्हा, और एक और बेटे हैं कुश सिन्हा। लव सिन्हा इस बार कांग्रेस से खड़ा हुए हैं, आई नो डैट। तो क्या लगता है इस बार बांकीपुर में हवा उनके पक्ष में है, लव सिन्हा के पक्ष में, क्योंकि उनके अपोजिट में नितिन नवीन है बीजेपी से, फिर पुष्पम प्रिया चौधरी? देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मार्केट में जो रुझान है आई थिंक थोड़ा सा वीक पोजीशन में है। मतलब वीक पोजीशन में, हाँ, मतलब क्या कारण है उनके वीक पोजीशन में होने में, क्योंकि उनके पीछे तो बड़ा नाम लगा है शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा का है, बट पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं राजनीति में, जस्ट अभी ये इन्वॉल्व हुए हैं, तो इन फ्यूचर अगर, हाँ, बिहार के लिए नए हैं, यंग है, जेनेटिक है, अगर ठीक ठाक काम करेंगे, आउटस्टैंडिंग सही आएगा तो उनको टाइम मौका मिलेगा ज़रूर, बट ज़्यादा जो अभी झुकाव है वो बीजेपी के तहत। तो शत्रुघ्न सिन्हा के लव कुश टावर के नीचे आपने लव सिन्हा को लेकर जनता की राय सुनी। कुछ लोग चाह रहे हैं कि नया चेहरा बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में आए, क्योंकि बिहार को नएपन की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ जो स्थानीय नेता हैं वही यहाँ पर ज़्यादा अच्छे हैं, और लव सिन्हा को फिलहाल समय लगेगा बिहार की राजनीति में पैर जमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बिहार में इससे पहले उस तरह से सक्रियता नहीं दिखाई है जिस तरह से एक नेता को दिखानी चाहिए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, आपकी राय इस विषय पर क्या है आप हमारे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।